तो बस यही है, मेरी बच्ची कितनी, आखिरी की 7-8 डिलीवरी बची है अभी। वेलकम बैक टू माय चैनल नव व्लॉग्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो गाइस, एक मामा का ये पार्ट टाइम जॉब है एज अ कुरियर, तो उन्होंने मतलब किसी एक स्टूडेंट को दिया हुआ है काम करने के लिए। तो मैंने कहा एक बार मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो मैं आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बेसिकली ये पूरी एक वैन है रेनो की, बहुत बड़ी, मैं आपको दिखाऊंगा ए टू जेड। और मुझे आज टोटल 21 डिलीवरीज करनी है, और इसे पैसा तो बहुत अच्छा है पर मेहनत बहुत लगती है। तो मैंने मामा को बोला कि मुझे एक बार एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि उन्होंने जो बंदा उनके लिए काम करता है उन्होंने छुट्टी करवा दी उसकी। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज डिलीवरी करने जा रहा हूँ, तो डिलीवरी करने से पहले, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, मामा और जो मीनल दीदी हैं वो ऑलरेडी चले गए हैं काम पे, तो उन्होंने बोला था घर पे खा लियो, पर घर पे थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा मैं डिलीवरी वगैरह के लिए, क्योंकि 4:30 के बाद डिलीवरी नहीं कर सकते, बहुत सारे रूल्स होते हैं यहाँ पे। तो जो कस्टमर्स वगैरह जो हैं उन्होंने मना किया होता है 4:30 के बाद डिलीवरी करने के लिए। तो मैं अभी आया हूँ हैरिस पार्क आलू के पराठे खाने के लिए। आप देखिए मेरे पीछे, ये जगह का नाम है श्री, और इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं खा रहा हूँ आलू प्याज के पराठे और रायता, जो कि मुझे पड़े हैं $14 के। ये पूरा इंडियन हब है पूरा, ये सब इनके मेन्यू है। $14 का मैंने लिया है आलू प्याज का पराठा, इसमें 2 पीस होंगे, ब्रेड पकोड़े समोसे सब कुछ अवेलेबल है, पान मक्की मटका रबड़ी सब कुछ। ये देखिए, और ये जो है सिटिंग है, यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं, डाइनिंग है। और ये देखिए पूरा हैरिस पार्क का एरिया है, यहाँ पे सब के सारे के मतलब 90% जो क्राउड है वो इंडियन नेपाली अपने सब देसी हैं। वो देखिए, इंडियन ब्यूटी स्वीट्स, इंडियन ब्यूटी पार्लर, ठेला इनेला टेस्ट ऑफ नेपाली फूड सामने लिखा हुआ है। ये देखिए एक देसी कसाई फ्रेश हलाल, आज मंडे का देना गाइस। और ये देखिए सब सूट वगैरह पहन के पूरा ऐसे लग रहा है हम इंडिया में हैं। स्वीट लैंड पेटिसरी देखिए लिखा पैरामेटा, ये गाइस पूरा पैरामेटा है। और जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो सामने पीछे, वो डेलॉइट की बिल्डिंग है मेरे ऑफिस की, इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं। ये बिल्लूज़ हम गए थे, मैंने वीडियो बनाई नहीं, मामा के सारे फ्रेंड्स थे तो बहुत सही था ये वाला बिल्लूज़, खाना इसका अच्छा है बहुत। और आपको मैं दिखाता हूँ कौन सी वैन है जिसमें मैं डिलीवरी कर रहा हूँ। गाइस ये पराठा, तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खाना खा लिया है, ब्रेकफास्ट हो गया। आलू प्याज के पराठे बहुत स्वाद थे श्री के। ये देखिए गाइस, ये है रॉकेट कुल्फी, चिल एंड ग्रिल इंडियन क्यूजीन, सामने लाजवाब। ये देखिए डोसा का मेन्यू है पूरा, हैरिस पार्क में तो पूरे मज़े ही मज़े हैं, ये पूरा डोसा हट है। वो देखिए गाइस सामने पूरे स्काई स्क्रेपर्स हैरिस पार्क के, पैरामेटा के सॉरी। ये फिर आ गया हैदराबाद हाउस, पानी पूरी। और ये है जिसमें मैं डिलीवरी करने जा रहा हूँ, तो देखिए ये है वो रेनो की, इसमें पूरा का पूरा माल लोडेड है। तो मुझे सब आज डिलीवरी करनी है एज एन एक्सपीरियंस, मैं बस ट्राई करूँगा। देखिए ये सब, तो मैं भी ये सब डिलीवरी करूँगा, इसको करता हूँ बंद और चलते हैं इधर। इस गाड़ी का जो नाम है वो है मास्टर, रेनो मास्टर यही नाम है इसका, पता नहीं इसका थोड़ा कांट टूट गया था कल, जो ड्राइवर था इसका जो डिलीवरी करता है। चलो ये देखिएगा, इस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको फ़ोन नहीं टच कर सकते, तो फ़ोन आप लगाओगे कैडल में, फ़ोन आपका हो गया मस्त सेट। यहाँ पे डालूंगा मैं पहली डिलीवरी और फिर चलेंगे। और ये हैं सारे, तो मुझे सब डिलीवरी करनी, मामा लिख के चलेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फर्स्ट डिलीवरी करने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा और आप देखिए आगे का व्यू पूरा। ये तो जगह है अभी जो मैं आया हूँ फर्स्ट, वो है पैरामेटा।
तो आप देखिए आगे का व्यू। तो गाइज मैं आ गया हूँ अपनी पहली डिलीवरी पे और ये है 3 Albion Street। ये देखिए 3 Albion Street पहुँच गया हूँ मैं। इसमें 4 बॉटल वाटर है और 1 Y2 है, पता नहीं मैं देखता हूँ। मामा ने सब कन्वेंशन किया हुआ, बॉक्स बनाया हुआ, उसमें 2, 4, 6 सब नेमिंग कन्वेंशन करी हुई है, तो इजी होगा मेरे लिए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसमें 3 Albion Street में। तो गाइज इसमें है 4 बॉटल वाटर और 1.5। तो देखिए ये लिखा हुआ, मामा ने सब कन्वेंशन किया 1.5, और ये है 3 Albion Street और वो है 4 बॉटल वाटर्स। तो ये दोनों देनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रॉली पड़ी हुई है, वो पड़ी ट्रॉली, ये देखिए ये पड़ी ट्रॉली, पीछे ट्रॉली में रखूँगा और फटाफट डिलीवरी करूँगा और देखते हैं मज़ा आएगा। चलो तो गाइस ये मैंने पानी की बॉटल उठाई, यहाँ पे रखी ट्रॉली पे, ये भी उठाई और रखी। इसमें गाइस पैसे बहुत हैं नो डाउट, पर मेहनत भी उतनी ही डबल है। इसको मैंने सेट किया थोड़ा सा, और वो सामने घर है नंबर 3 Albion Street, वहाँ पे छोड़ो। 2 मैं ऑलरेडी ड्रॉप कराया, 2 मैं अब ड्रॉप करूँ और एक उनका डिब्बा वाला। तो गाइस एक डिलीवरी मेरी हो गई है कंप्लीट। अब है 5 175, मैं पहुँच गया 175 नंबर पे। 5 नंबर है यूनिट नंबर, ये सामने देखिए 5, देखिए स्कॉट्स आइस ऑस्ट्रेलिया। इसमें ये 2 नंबर का एक डिब्बा है, फिर मॉप है, फिर 2 है, फिर बैग है। देखते हैं, इसको कॉपी को लेकर चलते हैं पीछे, आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइज मैंने थोड़ी सी पहले सॉर्टिंग कर ली है, क्योंकि ना सामान निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने अभी तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिलीवरी कर दी, अभी भी ये इतनी सारी बची हुई हैं। ये 9 Randolph का मैंने ऑलरेडी डिब्बा निकाल रख दिया, 62 Ferndale का मैंने ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया। अभी मैंने यहाँ डिलीवरी करी है नंबर 3 Oakley Street पे, ये देखिए। तो बस चलते हैं आगे। सब यहाँ से 600, 700, 800 मीटर है, पर सामान ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो सामान ढूंढने में टाइम लग जाता है, बस यही है। और मैंने अभी लिया है थोड़ा सा कोकोनट वाटर पीऊँगा मैं थोड़ा। और जो नेक्स्ट डिलीवरी है मेरी वो है 9 Randolph, अगर मैं डालता हूँ नंबर 9 Randolph, ये देखिए सिर्फ 400 मीटर, 1 मिनट की ड्राइव बस, दैट्स इट। तो यहाँ चलते हैं और उनको कह देते हैं, डिलीवरी करते हैं। गाइस मैं पहुंच तो गया हूँ नंबर 9 Randolph Street के बाहर, बोला नंबर 9 ये वाला, पर आप देखिए बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मुझे भीगना नहीं है, तो मैं कोकोनट वाटर पी रहा हूँ मस्त। ये देखिए बारिश, यहाँ पे एरिया सारे के सारे एरिया बहुत ही बढ़िया है गाइस, मस्त है एकदम मस्त, बस आप काम खुद करना पड़ता है यहाँ पे, यही दिक्कत है। बस यही है मेरी बच्ची है, कितनी आखिरी की 7-8 डिलीवरी बची है अभी, तो लगेगा अराउंड 1 आवर और लगेगा, क्योंकि ना जो लास्ट वाली डिलीवरी है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और ये जैसा ट्रक होता है भागम भाग वाला, चोरों वाला, वैसा चला रहा हूँ मैं, मज़ा आ रहा है चलाने में पूरा एकदम। ये राउंड अबाउट में यहाँ पे क्या है कि पहले आपको राइट देखना पड़ता है, राइट अगर क्लियर है तो आप मार दो, आगे लेफ्ट कुछ भी हो। तो गाइस आखिरी की शायद 6-7 डिलीवरी बची हैं और मुझे अभी 3 घंटे हुए हैं, 3, 3.5 घंटे। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, 19 डिग्रीज टेम्परेचर है, तो बस मज़ा आ रहा है, काम अच्छा है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। तो गाइस मेरी डिलीवरी सारी की सारी पूरी हो गई है सारी। एक बंदा जो है जिसे रिसीव नहीं किया, तो वो कल जो मामा का जो अंडर काम करता है वो रिटेम्प्ट करेगा कल। और मैं लास्ट डिलीवरी जो देने आया था वो है ये स्कूल, 3 स्कूल हैं यहाँ पे, तो ये था पैरामेटा कुछ स्कूल का नाम था। और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, ये देखिए आप नॉन स्टॉप। तो गाइस यही है, मैंने ख़त्म किया है 4:24, मैंने शुरू किया था 10:30 के अराउंड, तो टायरिंग है नो डाउट, पर मज़ा आया। मैंने एक बार ऐसी बस टेस्ट करना था कैसा लगता है,
तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। तो अर्निंग्स पता नहीं कितनी होंगी मेरी, अगर एक्चुअल में करता मैं तो पता चलता कितनी अर्निंग्स हुई होती। तो बस यही था, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सिडनी की कुछ और झलक दिखाता हूँ आपको। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। देखते रहिए चैनल नव ब्लॉग्स और सब्सक्राइब करते रहिए और व्यूज़ बढ़ाते रहिए मेरे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।